मिथुन चक्रवर्ती जब से अस्पताल में भर्ती हुए थे उनको लेकर हर कोई परेशान था। उनके फैंस हों या फिर बॉलीवुड सेलेब्स, हर कोई सदमे में था और यही प्रार्थना कर रहा था कि उनकी तबीयत जल्द ठीक हो जाए। तो आपको बता दें, अब उनको अस्पताल से भी छुट्टी मिल गई है और वो अपने घर आ गए हैं। अस्पताल से बाहर आने के बाद एक्टर ने बताया है कि वास्तव में कोई समस्या नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बस अपने खान पान पर कंट्रोल रखना होगा। देखते हैं, मैं जल्द ही काम करना शुरू कर सकता हूँ, शायद कल से ही। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि पीएम मोदी ने उनकी थोड़ी डांट भी लगाई है। क्या कहा है, आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल बॉलीवुड के दिग्गज और चहेते एक्टर मिथुन चक्रवर्ती फाइनली अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं। उनकी सेहत में सुधार है, ये देखते हुए उन्हें छुट्टी दे दी गई है। एक्टर ने स्टेटमेंट में बताया है कि वो अब बिल्कुल ठीक है। उनकी बिगड़ी सेहत के लिए उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक से डांट खानी पड़ गई थी। एक्टर मिथुन चक्रवर्ती बीते दो दिन से कोलकाता के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती थे। 73 साल के मिथुन को अचानक सीने में तेज दर्द उठा था, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। ट्रीटमेंट के दौरान पता चला कि उन्हें स्ट्रोक आया था। एक्टर तब से डॉक्टर की निगरानी में थे, लेकिन अब मिथुन को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और वो घर पर आ गए हैं। सोमवार की दोपहर को मिथुन कोलकाता में अपने घर डिस्चार्ज होकर लौटे। अस्पताल से बाहर आने के बाद एक्टर ने बताया कि वास्तव में कोई समस्या नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बस अपने खान पान पर कंट्रोल रखना है। इसी के साथ मिथुन चक्रवर्ती ने यह भी बताया कि कैसे प्रधानमंत्री ने उन्हें फोन पर खुद का ख्याल न रखने के लिए फटकार लगाई। एक्टर बोले, पीएम मोदी ने मुझे रविवार को मेरा हाल चाल जानने के लिए फोन किया था, साथ ही उन्होंने मेरी डांट लगाई कि मैं अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखता हूँ। इससे पहले बीजेपी एमपी दिलीप घोष भी मिथुन से अस्पताल मिलने पहुंचे थे। इस मुलाकात की वीडियो भी वायरल हुई थी। बीजेपी नेता ने दावा किया था कि एक्टर बिल्कुल ठीक है और जल्द ही आने वाली फिल्मों की शूटिंग फिर से शुरू करेंगे। वीडियो में मिथुन चक्रवर्ती अस्पताल के बेड पर बैठे नजर आ रहे थे। उन्हें देखकर इतना तो साफ हो गया था कि एक्टर की सेहत में पहले से काफी ज्यादा सुधार आया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप क्या कहना चाहेंगे मिथुन चक्रवर्ती के बारे में, हमें कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।